आप देख रहे हैं नव तेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट की। राजस्थान में आम आदमी पार्टी नवगठित कार्यकारिणी और लोकसभा अध्यक्ष और जिला पदाधिकारियों के गठन के बाद श्रीगंगानगर लोकसभा अध्यक्ष का श्रीगंगानगर जिले में तूफानी दौरा रहा, जहां नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष और नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। इसके चलते गसिंहपुर के व्यापार मंडल में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया और आप पार्टी की परिचय सभा का आयोजन किया गया। बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और आत्मा के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय किसान मेला प्रारंभ हुआ। विश्वविद्यालय के स्टेडियम में पोषक अनाज समृद्ध किसान थीम पर आयोजित मेले के मुख्य अतिथि कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय ऐसे नवाचार करे जिन्हें देश और दुनिया में देखा जा सके। लगातार दूसरा कृषि का अलग से बजट पेश किया गया और मैं ये मानता हूँ देश की आज़ादी के बाद में राजस्थान के किसान की मजबूती के लिए जो बजट में प्रावधान रखे गए हैं, और मुझे कहते हुए खुशी इस बात की कि खेती और पशुपालन में अभी हाल ही में 15 मार्च को जो भारत सरकार का एक लेखा जोखा जारी किया गया पशुपालन विभाग का, उसमें राजस्थान दूध उत्पादन में पहले नंबर पर, जो पहले दूसरे नंबर पर, तो ये 4 साल की योजनाओं का ही मजबूती के साथ में जो जमीनी स्तर पर लागू की गई है उन्हीं का परिणाम है कि आज हम दूध उत्पादन में पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पर। इस प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज 18,500 करोड़ रुपये हमने किसानों को फसल योजना में दिए। आपदा प्रबंधन में गोविंद राम जी बैठे हैं, उनके विभाग ने अलग विभिन्न जो मद हैं उसके हिसाब से किसानों की जो कैर बरपा, चाहे पाला पड़ा हो, चाहे ओलावृष्टि हुई हो, चाहे बरसात ज़्यादा हुई, जो भी अतिवृष्टि हुई है किसान के खेत पर, उनको लाभ पहुंचाने के लिए और किसान को मजबूती देने के लिए लगातार दोनों विभागों की तरफ से किसान को लाभ पहुँचाई। मोटे अनाज की बात आ रही है, मोटा अनाज मिलेट्स के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मिलेट से पूरे विश्व के अंदर भारत उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है और मिलेट्स ईयर 2023 पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। हम तो सौभाग्यशाली लोग हैं कि राजस्थान में मिलेट्स के अंदर हम अग्रणी हैं। मोटा अनाज हमारे थाली का आदिकाल और परंपरागत रूप से हमारा खाना रहा है, खासतौर से जो बाजरा है, ज्वार है, रागी है, ये मोटे अनाज की आज दुनिया में बात हो रही है। और ये क्यों हो रही है? कोरोना में वैज्ञानिकों ने इस बात पे सहमति व्यक्त की कि आदमी की जो इम्यूनिटी पावर है वो अनाज के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है, और उसमें मोटा अनाज उन्होंने मुख्य तौर पर आम आदमी की थाली में बांटा है। राजस्थान में तो आदिकाल से ही हमारे जो बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, वो मोटे अनाज का ही सेवन करते हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार की जागृति पूरी दुनिया में हुई है, नए स्टार्टअप्स लोग लेके आ रहे हैं, हमारे नौजवान पीढ़ी जो पढ़ती गई है वो भी बड़े रुझान के साथ मोटे अनाज के बारे में रुख कर रही है, और देश और विदेश में एक थाली का हिस्सा आने वाले समय में मोटा अनाज बनेगा। रामनवमी के त्यौहार को लेकर आयोजन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद आयोजनकर्ता ने बताया कि रामनवमी पर शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होगी, इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग भाग लेंगे, जिसमें डीजे के साथ नासिक का बैंड भी शामिल होगा। रेनवाल के मुख्य बाजार में स्थित नला बाजार की एक फोटोग्राफर की दुकान को चोरों ने एक बार फिर से निशाना बनाया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया और एलसीडी कंप्यूटर का कीबोर्ड और गले में रखी हुई नकदी पार कर ले गए। सूचना मिलने पर रेनवाल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीकर में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक जिला सभागार में आयोजित की गई। बैठक में शहर विधायक, पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर सहित जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों के साथ बैठकर समीक्षा की गई। आगे आने वाले त्योहारों को लेकर विस्तृत चर्चा भी की गई। आने वाले त्योहारों को देखते हुए इस माह में और अगले माह में शांति समिति की मीटिंग ली गई थी कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, जिसमें हमने सभी बिंदुओं को के बारे में चर्चा की और सुझाव लिए। उसके आधार पर हम अपने आगे आने वाले त्योहारों की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। पुलिस व्यवस्था के हिसाब से रामनवमी का जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी 30 तारीख को, और उससे पहले रामनवमी के पूर्व संध्या पर एक प्रोग्राम है, उसके लिए हमने करीब 1000 से ऊपर का जाब्ता तैनात कर रहे हैं। सिविल ड्रेस में भी हम लोग तैनात करेंगे, इसके अलावा छतों पर भी जाप्ता रहेगा, ड्रोन से हम निगरानी रखेंगे, पूरे प्रोग्राम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी अलग अलग जगहों पर, इसके अलावा और भी ज़रूरत होगी तो हम लोग उसका इंतजाम करेंगे। नहीं, उसके संबंध में आयोजकों से बातचीत हुई है और उन्होंने पहले से ही पेन ड्राइव में इस तरह के जितने भी जो गाने बजेंगे उनको
हमारे को उपलब्ध कराएंगे और उनको हम टेस्ट करके चेक करके उसके बाद उन्हें करेंगे, और हर जगह हर जहां वो गाने का बजाने का होगा वहां हमारा आदमी भी साथ रहेगा। राजसमंद के नादवारा के गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नैनपुरिया में अध्यक्ष पात्र का भोजन खाने से करीब 15 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पेट में दर्द और उल्टी होने पर विद्यालय प्रशासन द्वारा राजसमंद के आरके चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए रसद विभाग टीम स्कूल से सैंपल ले रही है। जोधपुर राजस्थान साहित्य उत्सव में राजस्थान ललिता कला अकादमी द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस चित्रकला प्रदर्शनी में उस्ताहट, ग्राफिक आर्ट, इंस्टॉलेशन आर्ट जैसी अनेक कलाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी में नामी कलाकारों ने आकर अपनी वर्कशॉप का भी आयोजन किया। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है और ये हम लोगों ने इंस्टॉलेशन बनाया है जो जोधपुर में फर्स्ट इंस्टॉलेशन है यूनिवर्सिटी में। वो इसको हमने एक्रेलिक शीट्स पे बनाया है, एक्रेलिक शीट्स पे ग्लास मार्कर से और ट्रांसपेरेंसी दिखाई है, और इसके साथ में जो इसकी शेडो पड़ रही है तो उस चीज़ को हमने रिफ्लेक्ट किया है। तमाम आपके साथ हाँ, ये हम लोग जोधपुर आर्टिस्ट है सब। परबत्सर रेल लाइन विद्युतीकरण कार्य का उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर के PCEE व जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक ने मकराना रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर महाप्रबंधक कार्यालय जयपुर एवं मंडल रेल प्रबंधक जोधपुर के उच्च अधिकारियों सहित स्थानीय अधिकारी भी मौजूद थे। कोटपुतली जिले में विराट नगर को शामिल करने का विरोध व विराट नगर को जयपुर जिले में ही रखने की मांग मुखर होने लगी है। क्षेत्र के लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है जिसके चलते क्षेत्र के नागरिकों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। विराट नगर उपखंड क्षेत्र के कस्बे विरोध स्वरूप संपूर्ण बंद रहा। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के दो छात्र गुटों में कॉलेज परिसर के बाहर देर रात झड़प हो गई। आपस में हुई मारपीट में एक छात्र गंभीर घायल हो गया। मामले की सूचना पर झालावाड़ कोतवाली पुलिस सहित DSP मौके पर पहुंचे और आपस में मारपीट कर रहे युवकों को अलग करवाया। ऐसे में अब देखना होगा कि घटना को लेकर पुलिस विभाग क्या सख्ती दिखाती है। हाँ, ये 9:30-10 बजे के समथिंग अभय कमांड के द्वारा ये बताया गया, उसमें फोटोज में ये आ रहे थे कि कुछ 150 लड़के हैं जो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और उनमें झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर थाना अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और उनको एक दूसरे को अलग किया, जिनमें से कुछ एक दो लड़कों को मामूली सी खरोंचे आई हैं जिनका प्राथमिक उपचार करने के बाद में छुट्टी दे दी गई है। रोहट थाना परिसर में रोहट उपखंड अधिकारी के मुख्य अतिथि व थाना प्रभारी की अध्यक्षता में CLG व ग्रामीणों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पूर्व SDM द्वारा सभी सदस्यों का परिचय लेते हुए आगामी त्योहारों को लेकर आवश्यक मार्गदर्शन दिए गए। साथ ही रामनवमी, हनुमान जयंती सहित आने वाले पर्व पर DJ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहने की बात कही। यातायात नियमों की पालना करने व हेलमेट का उपयोग करने की अपील भी की गई। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के पदभार ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में बस्सी से लोग पहुंचे। भाजपा राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के प्रथम बार जयपुर आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान हजारों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग चुका है। इसके उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान है। फिर भी टोंक निवाई स्थित सहित अन्य शहरों में धड़ल्ले के साथ नियम कायदों को ताक में रखकर जमकर प्लास्टिक बेची व खरीदी जा रही है। उपखंड प्रशासन तथा नगरपालिका प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं होने से व्यापारियों के हौसले बुलंद है। अलवर जिले के खेडली और कठुमर पुलिस ने विभिन्न मामलों में वांछित अपराधियों की धर पकड़ कर 45 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रशासन ने अपराधी गतिविधियों से दूर रहने तथा अपराध नहीं करने के लिए पाबंद किया है। अचानक पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ से अपराधियों में हड़कंप मच गया। चूरू के सुजानगढ़ के सुजला जिला बनाओ संघर्ष समिति लाडनू और जनहित संघर्ष मोर्चा सुजानगढ़ के प्रतिनिधियों ने जयपुर कूच किया, जहां CMO हाउस में राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव ने सहित अन्य अधिकारियों और मंत्रियों से सुजला सुजानगढ़ जिले की मांग को लेकर वार्ता होगी। जिला बनाने की मांग लंबे समय से चल रही थी, जिसके चलते CMO हाउस से वार्ता के लिए बुलाने पर 21 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल जयपुर रवाना हुआ, जो राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, PCC सचिव, प्रभारी मंत्री से मुलाकात कर सुजला को जिला बनाने के लिए मजबूत पक्ष रखेंगे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज TV और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज TV।